अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वेलकम टेक वीडियो गुरु, मैं आपका विकास, आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। तो आज आपके लिए कंप्यूटर टैली ईआरपी मॉक टेस्ट नंबर सेट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे कोपा वैंग और अदर किसी कॉमर्स साइट या बैंकिंग साइट के एग्जाम में, जिसमें आपको टैली के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये आप किसी इंस्टीट्यूट DCA वगैरह करते हैं या पर्टिकुलर टैली का भी कोर्स करते हैं तो भी आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। अभी एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बनाई जा चुकी है तो उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा पार्ट 1 का, और ये हम लोग पार्ट 2 के पेपर का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 21 नंबर है, देयर आर प्री डिफाइंड लेजर, तो उसमें पूछ रहा है आपका प्री डिफाइंड लेजर कौन सी होंगी या कितनी होंगी। तो यहाँ पे 21 का सी ऑप्शन बनेगा, दो आपके प्री डिफाइंड लेज़र होती हैं, तो 21 का सी ऑप्शन बनेगा दो। 22 पे चलते हैं, टू प्रिंट ए वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस, अगर आपको वाउचर प्रिंट करना है टैली में तो कौन सी प्रेस की आपको करनी पड़ेगी। तो Alt+P आपको प्रेस करना पड़ेगा तब आपकी वाउचर आपका प्रिंट हो जाएगा टैली के सॉफ्टवेयर में। तो टू प्रिंट ए वाउचर फ्रॉम टैली वी नीड टू प्रेस Alt+P, यानी कि 22 का सी ऑप्शन बनेगा। 23, वी कैन सी वर्किंग कैपिटल फिगर चेंजिंग, वी कैन सी वर्किंग कैपिटल फिगर चेंजिंग अगर आपको करना है तो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना पड़ेगा, तो 23 का ए ऑप्शन होगा। तो 23 का ए हो जाएगा आपका वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। 24 पर चलते हैं, इनपुट वैट ऑब्लिक आउटपुट वैट लेज़र क्रिएटेड अंडर विच अकाउंट, किस अकाउंट के अंतर्गत इनपुट एंड आउटपुट लेज़र क्रिएटेड की जाएंगी। तो 24 का ए ऑप्शन बनेगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंतर्गत। तो 24 का ए हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। 25, अलाउ कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल BOM ऑप्शन इज एक्टिवेटेड फॉर लेजर कॉस्ट कैटेगरी स्टॉक आइटम बजट, तो आंसर 25 का बनेगा बी, कॉस्ट कैटेगरी। 26 पर चलते हैं, वी कैन रिपीट नरेशन बाय प्रेसिंग, किस की तरह हम लोग नरेशन को रिपीट कर सकते हैं। तो 26 का बी ऑप्शन बनेगा, Alt+R। 27 पर चलते हैं, डिस्काउंट कॉलम इज़ अवेलेबल इन, डिस्काउंट कॉलम जो होता है आपका वो किस उसमें मेन्यू में अवेलेबल होता है। तो 27 का सी ऑप्शन बनेगा, बोथ A एंड B, यानी कि सेल इनवॉइस में और परचेज इनवॉइस जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कुछ परचेज करेंगे या फिर कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे तभी आपको वहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आप अपने आप भी लगा सकते हैं। तो 27 का सी ऑप्शन बनेगा, सेल्स एंड परचेज। 27 का सी। 28, वी कैन कैंसिल ए वाउचर यूजिंग, अगर आपको वाउचर कैंसिल करना है तो क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। बेसिकली इसमें शॉर्टकट की चलती है, कीबोर्ड से एक पूरा काम होता है, अगर आप माउस से चलाने की कोशिश करेंगे तो उससे काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको की शॉर्टकट की सारी पता होनी चाहिए अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं। तो 28 का आंसर बनेगा ए, Alt+X। Alt+X अगर आप प्रेस करेंगे तो आप अपने वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं। 29 पे चलते हैं, वी कैन नॉट सेलेक्ट कैश इन जनरल वाउचर, क्या हम लोग जनरल वाउचर के रूप में कैश को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, नहीं कर सकते हैं। 29 का ए हो जाएगा, ट्रू। 30 नंबर, टू क्रिएट सिनेरियो विच ऑप्शन रिक्वायर टू बी एक्टिवेटेड, सिनेरियो को एक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। तो 30 का डी ऑप्शन बनेगा, यूज़ रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर इन F11। F11 प्रेस करके आप इन दोनों ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। 31, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वाउचर वी कैन गेट फ्रॉम, ऑप्शनल वाउचर आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ऑप्शनल वाउचर की लिस्ट। तो 31 का सी हो जाएगा, अकाउंट बुक में आप जाके लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वाउचर को आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। 32 पर चलते हैं, सिंगल एंट्री मोड इज़ अप्लीकेबल फॉर, सिंगल एंट्री मोड आपके अप्लीकेबल फॉर होगी रिसिप्ट वाउचर में, कॉन्ट्रा वाउचर में और पेमेंट वाउचर में, यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा आंसर डी। 32 का डी ऑप्शन बनेगा, ऑल ऑफ दिस। 33,
टू हिंड नेम यहाँ पे आगो टू हाइड द नेम ऑफ कंपनी यू नीड टू डिफाइन डी ऑप्शन बनेगा टेली वॉल्ट पासवर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो आप कंपनी का नाम हाइड कर सकते हैं। 33 का डी ऑप्शन बनेगा टेली वॉल्ट पासवर्ड। 34 टू डिक्लेयर ए वाउचर एज पोस्ट डेटेड प्रेस, टू डिक्लेयर ए वाउचर एज पोस्ट डेटेड प्रेस, तो 34 का ऑप्शन बनेगा ए कंट्रोल प्लस टी। 35 वी कैन स्विच फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर टू इन्वेंट्री वाउचर प्रेसिंग, डी ऑप्शन बनेगा F11 अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्वेंट्री वाउचर और अकाउंट वाउचर को स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा। 36 पे चलते हैं, गुड्स रिटर्निंग टू ए क्रेडिटर आफ्टर चालान बट बिफोर विल बी नीड टू पास, 36 का सी ऑप्शन बनेगा रिजेक्शन आउट। 37 टू यूज DR/CI यानी कि क्रेडिट और इंस्टेड ऑफ 2/Y ड्यूरिंग वाउचर एंट्री और वाइस वर्सा प्रेस सी, यानी कि F11 यूज़ करके आप DR क्रेडिट इंस्टेड और आप टू बाई और बाई ड्यूरिंग वाउचर को एंट्री पास कर सकते हैं, प्रेस करके आप उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो F37 का सी ऑप्शन बनेगा F11। 38 पे चलते हैं, टू अल्टर ए मास्टर वाइल मेकिंग एनी एंट्री ऑफ व्यूइंग ए रिपोर्ट, 38 का सी ऑप्शन बनेगा कंट्रोल प्लस इंटर। 39 टू शो द चेक नंबर वाइल रिकंकलिंग बैंक अकाउंट प्रेस, तो 39 का बी बनेगा F12। बेसिकली आप देख सकते हैं शॉर्टकट के ये क्वेश्चन थे, बेसिकली इसमें शॉर्टकट की ही यूज होती हैं ज़्यादातर, तो इन्हीं पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की याद हो गई तो आप आधा टैली इसी तरह से वर्क कर ले जाएंगे। 40 टोटल नंबर ऑफ लेजर ग्रुप एंट्रीज एक्सेट्रा कैन बी शोन फ्रॉम स्टैटिक्स में, तो 40 का बी ऑप्शन बनेगा स्टैटिक्स में आपकी सारे लेजर ग्रुप एंट्रीज एंड कैन बी शो फ्रॉम स्टैटिक्स। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन पार्ट टू, आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बेसिकली मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दिए हैं और आंसर आपको वहीं पे सामने दिख रहे होंगे, तो इसको नोट करते जाएं या एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको जितने क्वेश्चन तो आपको वहीं पे तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, और अगर टैली के अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए टैली अगर सीखना है तो कमेंट में बता सकते हैं, तो उसकी ट्यूटोरियल आपको बना दी जाएंगे। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नई वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।